नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद लाइव पर। आज होराइजन हिंद लाइव में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, इनफैक्ट वी आर ओब्लाइज टू हैव डॉक्टर राजकुमार जयपाल विथ अस। डॉक्टर जयपाल नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन अजमेर। डॉक्टर जयपाल सालों से अजमेर से जुड़े रहे हैं, अजमेर क्लब के प्रेसिडेंट हैं, विधायक रहे हैं। डॉक्टर जयपाल नेक के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर जयपाल लगभग अजमेर की धरा पर सबके दिलों में राज कर चुके नेताओं में से एक हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ परंपरा है कि जो कोई भी बुलाते हैं उनको एक बार मना, आपको वैसे भी लोगों ने सुना बहुत कम है, मतलब यू आर अ शाई पर्सनैलिटी, यू टॉक वेरी लेस। तो आई विल लाइक कि आप अपने बारे में खुद दर्शकों को बताएं, आपकी आवाज़ तो सुने कम से कम। मैं डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक और अजमेर का वासी हूँ और सिविल लाइन्स में रहता हूँ। मैं प्रेसिडेंट भी हूँ राजस्थान हॉकी एसोसिएशन का और सदस्य हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, प्रेसिडेंट हूँ अजमेर क्लब का, प्रेसिडेंट हूँ अम्बेडकर सोसाइटी का और प्रेसिडेंट हूँ मैं राजस्थान पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन का, प्रेसिडेंट हूँ मैं NECC का जो नेशनल एग कंडीशन कमेटी है जो अंडी की रेट निकालती है। तो सर इतना सब आप हैं, मतलब यू आर प्रोफेशनली अ डॉक्टर, यू आर सर्जन, है ना, PG इन सर्जरी, है ना, और मैं IMA का भी प्रेसिडेंट, IMA के प्रेसिडेंट हैं, मेडिकल एसोसिएशन के। आप मुझे एक बात बताएं, मतलब शुरुआत करते हैं पर्सनल चीज से कि डॉक्टर जयपाल बीइंग अ सर्जन, यू वुड हैव डन योर प्रैक्टिस इजीली, आप आराम से अपना प्रैक्टिस करते और करते, जब इतना लॉन्ग वे, इतना रिप्रेजेंटेशन लोगों के बीच, ये यात्रा कैसे शुरू हुई और मतलब इसमें क्या सोचता है इसमें? इसमें मेरा ये है, क्योंकि आपको पता भी है और सब जानते भी हैं कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी सर, मेरे फादर भी मंत्री रहे हैं, MLA रहे हैं, मदर भी मंत्री रही, MLA रहे। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, जब से मुझे एक ये था कि मैं सक्रिय राजनीति में जाऊं और जनता की सेवा करूं, और इसलिए मैं उस वक्त भी यूथ कांग्रेस डॉक्टर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था राजस्थान का। हाँ। और वहीं से मैंने अपने राजनीतिक कैरियर शुरू किया। उस वक्त मैंने राजीव गांधी पीजी करने के बाद या पहले? उससे पहले, पीजी से पहले, पहले तो, मतलब जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था जब। अच्छा। तो इसलिए मेरा सक्रिय राजनीति में आने का उस वक्त ही आइडिया था। हाँ। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं जब MS कर रहा था उसके जस्ट बाद ही मुझे राजीव गांधी जी ने टिकट दे दिया था। अच्छा। वो भी शहर से, MS कर चुके। हाँ। तो और जैसे ही ये उस वक्त राजीव गांधी जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स भी पॉलिटिक्स में आनी चाहिए, उसी के तहत मुझे टिकट मिला और मैंने उस वक्त कैलाश मेघवाल को हराया था, जो कि अपने आप में स्टॉलवर्ट था। 1985, आई रिमेम्बर, हम लोग भी कॉलेज स्कूल में हुआ करते थे, तो वी यूज्ड टू हियर इट। तो कैलाश मेघवाल मैंने हराया था, जो अभी स्टॉलवर्ट अभी अभी शायद वो अभी भी बहुत सीनियर लीडर है। हां, बहुत सीनियर लीडर है बीजेपी के। अच्छा, ही फॉट फ्रॉम अजमेर ड्यूरिंग दैट, इट वाज ग्रेट। उनका उस समय में तो तनी, अभी भी उनका नाम बहुत सुनते हैं, वसुंधरा राजे से टकराहट में वो कभी कई बार उनका सुनाई देता है। ग्रेट सर, आपने जब 85 से 90 के बीच जब आप MLA रहे, है ना, तब आपका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में आपको ऐसा क्या लगता है, व्हाट रिमेन्स पेंडिंग? उपलब्धि तो हमें मालूम है, उपलब्धि तो हम जानते हैं कि उस जमाने में किशन मोटवानी जी नॉर्थ में थे और साउथ में आप थे। हाँ। तो आप लोगों ने मिलके उस समय जो है बहुत बिसलपुर का विकास कराया, ओवरऑल जो उस वक्त कर सकते थे वो विकास कराया, मतलब मोटवानी जी की डेथ के बाद। आज अगर कोई हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति अलाइव है जिसने ये कंट्रीब्यूशन दिया, दैट इज डॉक्टर जयपाल ओनली। थैंक यू सर। तो ये आपका कहना सही है कि मेरा ध्येय था और अभी भी है कि मैं अजमेर का चहुमुखी विकास करूं और अजमेर को इंडिया के नहीं अपितु वर्ल्ड के नक्शे पे लाऊं, कि एक विज़न हो, एक ऐसी सिटी हो जो बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटी टाइप हो, ये मेरा शुरू से दे रहा है। और उस संदर्भ में फिर मैंने 2008 में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट ट्रायंगुलर फाइट हो गई, इन फाइटिंग हो गई, तो इसलिए मैं जीत नहीं पाया। लेकिन मैं तो भी अभी भी सक्रिय
राजनीति में हूँ और सदस्य हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और जब भी कोई विकास की बात होती है या कोई नया कोई डेवलपमेंट की या अजमेर को और कुछ बढ़ाने के लिए बात होती है तो मैं सक्रिय योगदान देता हूँ, चाहे मुझे चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़े या यहाँ लोकल अथॉरिटी से बात करें, मैं हमेशा सहयोग देता हूँ अजमेर के विकास में। आपने डॉक्टर साहब 85-90 का एरा भी देखा, इतने टाइम से आप जुड़े रहे हैं, इतने टाइम से सोशली पॉलिटिकली आपकी पूरी फैमिली एक्टिव है, आपको क्या लगता है अजमेर की प्रशासन का जो ढर्रा है वो चेंज आया है गुड ओल्ड डेज से लेके अभी तक? ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि अजमेर में, अजमेर शहर में, डिस्ट्रिक्ट में ब्यूरोक्रेसी बहुत हाई रही है। मतलब जो पॉलिटिशियन है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के, आपसी लड़ाई इतनी रही है कि उस कारण ब्यूरोक्रेसी हमेशा हाई रही है, हावी रही है, और इसीलिए अजमेर का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। आज आप कंपेयर करो, जब भारत आज़ाद हुआ था तो अजमेर अलग से एक स्टेट थी और अलग से नाम था। आज आप कंपेयर करो तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा कितने आगे निकल गए, जयपुर तो खैर भूल ही जाओ, जयपुर का तो होल्ड कहाँ करें, तो वो भी कितना उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उससे अगर अपन कंपेयर करें तो अजमेर का विकास नहीं हुआ है। तो उसके लिए चाहिए कोई पॉलिटिकल अच्छी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और प्लस उसका विजन हो कि हाँ मुझे केवल सड़कें, नाली और ये लाइटें नहीं लगानी है, मुझे अजमेर का विकास करना है, जो विदेश में जैसी शहर होते हैं वैसे शहर बनाना है, तो ये मेरा विजन है। दैट्स ग्रेट। अब देखिए, इसमें आपने जब बात की अजमेर के, सिर्फ नाली और सड़कों का विकास नहीं है, विकास के नाम पे पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में एक बार वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी वो अजमेर आई और उन्होंने एक बयान दिया कि 65,000 करोड़ अजमेर में हम लगा चुके हैं और अजमेर में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जा चुका है हमारी सरकार का। तो मतलब ये सुनने में बड़ी लाउड लगी थी बात, अब मीडिया कर्मियों को भी विश्वास नहीं हुआ था इस बात का, हालांकि उस समय भी चर्चा हुई। तो आपको क्या लग रहा है 65,000 करोड़ लगे? देखो, आप भी अजमेर के वासी हो, आज आप भी अजमेर में रहते हो, मैं भी अजमेर रहता हूँ। कोई भी विकास हो या इतना पैसा लगता है छिपा नहीं रह सकता कोई, ये तो है नहीं कि किसी एक जगह कोई सोने की मूर्ति बना दी थे 65,000 करोड़ की जो वो दिख रही है, तो कोई भी विकास नहीं हुआ, ये गलत उनका स्टेटमेंट था, है ना। मेरे हिसाब से ये जो गौरव पथ वाली जो सड़क है चौपाटी, इसके अलावा मुझे तो और कुछ मतलब कोई ऐसी मेजर बड़ी बात दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी दावे होते हैं। हमने देवनानी जी को भी अपने शो में बुला के ये चीज़ कही थी, उन्होंने साहब ये ऐसा हुआ तो ही अब दलगत वो बात है, वो अपने दल के रियलाइजेशन की बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, भाजपा और का पिछला कार्यकाल नगर निगम में है ना, नगर निगम का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल जो वो उसको आप क्या कितनी रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10 आपके हिसाब से, कैसा रिपोर्ट कार्ड हो? मैंने यही कहा ना कि चाहे वो नगर निगम हो, एडीए हो, या ओवरऑल अजमेर का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है, तो उसमें नगर निगम भी शामिल है कि वो कुछ ऐसा अलग से नहीं कर पाए, जबकि अभी स्मार्ट सिटी के तहत पैसा भी आया हुआ है, तो भी मुझे नहीं लगता कि उसका सही तरीके से व्यय हो रहा है। दूसरी बात, आप कांग्रेस संगठन में इतनी सीनियर रैंक पर रह चुके हैं, है ना, और पहली तो मतलब मैं एक सम्मेशन कहूँ लोगों के मुखातिब होके कि डॉक्टर जयपाल और जयपाल परिवार ऐसा परिवार रहा है जिस परिवार में आप ये मोटा मोटा मान के चलें कि कांग्रेस की जो आज की पीढ़ी है ना, लगभग सारे न्यू कमर्स थे और इनके शागिर्द रहे हुए लोग हैं, और मतलब मसलन विजय जैन है, विजय जैन जो अभी कांग्रेस अध्यक्ष, निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष है, वो भी किसी जमाने मुझे याद है डॉक्टर साहब आपके ग्रुप के, मतलब बिल्कुल आपके गाइडेंस में चलते थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, फादर 13 साल अध्यक्ष रहे हैं और उनके टेन्योर में वो ब्लॉक अध्यक्ष थे ना, तो वो उस जयपाल परिवार के नीचे काम कर चुके हैं अध्यक्ष, मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड आपका ही रहा है, ट्रेनिंग स्कूल, तो एक तरह से आपके शागिर्दों में श्रेष्ठ है। आप अपने शागिर्द का कार्यकाल देख के कितने नंबर देंगे आप उसे? नहीं, देखो
जिसने भी जैसे विजय जैन है उसने अपना टेन्योर अच्छा चलाया और बीजेपी कार्यकाल में भी उन्होंने कई मुद्दे उठाए और सही चलाया, कोई उनसे मतलब अच्छी तरह चलाया उन्होंने कोई ऐसा। लेकिन सर सीटें जिता नहीं पाया कोई, मतलब आप इस बार का चुनाव आप देखिए ना। हाँ वो ये बात सही है कि चाहे वो MLA के हो या MP के हो वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, चाहे मैं एक्सपीरियंस का फर्क पड़ता है। हाँ हाँ ये भी बात सही है। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब सीटें अगर रिपोर्ट कार्ड वैसे देखा जाए मीडिया की नज़र से तो सर पिछले 20 साल ही हो गए लगभग, 20 साल से कांग्रेस नहीं है शहर में। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल है ना, उसमें 10 साल तो सचिन पायलट के आगमन के बाद नमस्ते था पूरा है ना, उस वो किसे छुपा नहीं है क्या हुआ है ना। और ये विजय जैन इससे पहले जो अध्यक्ष थे महेंद्र सिंह रलाप था वो भी कोई खास ना हो पाया। इन 20 सालों में कभी भी नगर निगम में मेयर कांग्रेस का नहीं आया, एक बार आया वो भी डायरेक्ट चुनाव का जो फॉर्मूला था उसके कारण आया बिल्कुल। तो ये कमी आपको कैसे लगती है, ये कमी कैसे पूरी कर पाएगी पार्टी आगे, ये क्या आगे पूरी कर पाएगी? जैसे पहले 60 थे अब वार्ड हो गए 80, जिसमें 43 है साउथ में और 37 है नॉर्थ में, उसमें से भी दो जो हैं वो पुष्कर विधानसभा में आते हैं। लेकिन मैं खुद इसमें एक्सरसाइज कर रहा हूँ हर वार्ड में कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, चाहे वो किसी से भी उसके आका हो या कोई हो, जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए, यही मेरी मंशा है और उसके बारे में मैंने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है वार्ड वाइज। अच्छा आपने अपने और मुझे मुझे इस बार कॉन्फिडेंट हूँ कि आपकी मेयर है कांग्रेस का ही बनेगा। एक और ऐसी बात पूछूंगा सर, एक बात बताओ आप, अगर आपको पार्टी अभी कह दे कि डॉक्टर जयपाल आप पार्टी की कमान संभालो अजमेर में अध्यक्ष, तो आप ग्रहण करोगे? हाँ हाँ अगर हाईकमान कहता है तो डेफिनेटली मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये चर्चा भी सुनी है, आप आज बैठे तो आज सब बात आपसे कर ले खुल के। हमने ये चर्चा भी सुनी है कि आने वाले निगम चुनाव में मेयर का चेहरा जब किसी ऐसी महिला के लिए है ना, तो आप अपने परिवार में से किसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे? अगर हाईकमान कहेगी तो जरूर मैं चुनाव लड़ाऊंगा अपनी वाइफ को। अच्छा मैडम क्या करती हैं, मतलब व्हाट क्वालिफाइड शी इज? शी उन्होंने बीई किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। हाँ ग्रेट। व्हाट इज मैम्स नेम? रंजू जयपाल। ग्रेट। तो मतलब हम ये मान के चलें कि डॉक्टर साहब अगर हम मतलब दुआ करते हैं आपको मतलब कांग्रेस के हित में भी यही है क्योंकि और दूसरी भाई आपको मौका दें और यहाँ पे पार्टी लौट कर आए 20 साल बाद। हाईकमान कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आप मुझे ये सर बताइए, इस वक्त जो संगठन की स्थिति है, पार्टी के पास अध्यक्ष नहीं है और बिना अध्यक्ष के चुनाव मैदान में अजमेर में कैसे कोऑर्डिनेट होगा? मतलब विजय जैन निर्वतान हो गए, सचिन मतलब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, है ना, वो तो क्लियर है ना। उसकी वजह से ये जो दुर्घटना ही है एक तरह से अजमेर के संगठन की ऐसी तैसी हो गई है बिल्कुल, अध्यक्ष तक नहीं है, ऐसे में कैसे पार पड़ेगी? मतलब आपको कैसे लगता है पार्टी कैसे जिताएंगे ये सीनियर लीडर्स? ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि शहर अध्यक्ष नहीं है और ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, वार्ड अध्यक्ष नहीं है, मतलब 20 वार्ड जो नए बने ना सर, उसमें वार्ड अध्यक्ष नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी परेशानी तो होगी, कोशिश यही करेंगे कि मेयर हमारा ही बने और अधिक से अधिक जो नगर निगम पार्षद है वो कांग्रेस के जीते ना। आप मुझे वैसे लिबरली बताइए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो खींचतान चली, उस खींचतान से जो नुकसान हुआ है कांग्रेस को निश्चित तौर पे नुकसान हुआ है, वो दिखता है ना, वो जो नुकसान हुआ उस नुकसान की पहला सवाल तो क्या भरपाई होगी, दूसरी आपने कहा हम सब मिलके, तो क्या ये फासले जो आला नेताओं के झगड़ों के पीछे गली गली तक पहुँच गए हैं वो ब्रिज अप हो जाएंगे? वो आपका कहना सही है कि जब जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ कि हुआ, लेकिन अब क्योंकि
स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है, जो भी गिले शिकवे थे वो आपसी समझौते से आपसी बातचीत से तय हो गए। तो जो ग्रास रूट लेवल पे भी जो स्ट्रेस था, टेंशन था, दो गुट हो गए थे, वो आपस में अब समन्वय हो गया है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम सब मिलके ही चुनाव लड़ेंगे। ग्रेट सर, डिजिटल मीडिया के बारे में आपकी क्या सोच है? मतलब ये सवाल मैं, वैसे तो मैंने हर शो में सर कहता हूँ कि मैं जवान और युवा से पूछता हूँ, जरूर हमारे लिए आप युवा ही हैं। तो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की जो ताकत है, अखबार और मोबाइल पे न्यूज़ पढ़ने का जो कंट्रास्ट है, उस कंट्रास्ट के बारे में आपका क्या सोच है? एक तो मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि होराइज़न जो आपका चैनल है वो इमीडिएट जो नई नई खबरें हैं वो इमीडिएटली आती हैं और उनका सटीक अच्छे तरीके से आप उनको पेश करते हैं, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ। और ये बात सही है कि पहले जो था कि सिर्फ प्रिंट मीडिया था, अब जो डिजिटल मीडिया ने जो जगह ले ली है वो डेफिनेटली सबको ये लगता है कि भाई रिमोट दबाकर टीवी चालू कर लेते हैं और उनको आइडिया लग जाता है कि भाई क्या न्यूज़ है। नहीं तो वही होता था कि सुबह इंतज़ार करते थे, अखबार आते थे, अखबार पढ़ते थे। अब ये है कि कभी भी जब मैं फ्री हूँ या कोई भी फ्री है, टीवी ऑन किया, न्यूज़ देख ली, तो अच्छा हुआ, बेटर हुआ है, बेटर है पहले से। तो आखिरी सवाल, आप डॉक्टर हैं, कल मैंने एक बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं अजमेर के, उनसे शाम को बात हो रही थी, तो उन्होंने उनका सवाल है, मैं मतलब आप डॉक्टर फ्रेटर्निटी की तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि राजकुमार जयपाल इज सपोज टू कम टुमारो, तो बोले आप उनसे पूछना, NMC जो आई है। हाँ। तो उनका सवाल ये था मूलतः कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन आया है, नेशनल मेडिकल कमीशन आने से डॉक्टर्स पे और मेडिकल एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ा है? मतलब आपको क्या लगता है, NMC कमीशन इज बेटर और MCI वॉज गोइंग इट वॉज बेटर? नहीं, मैं क्योंकि IMA का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो अभी हमारी राजस्थान की IMA की मीटिंग भी हुई थी। हाँ। और ये मुद्दा IMA ने सबसे पहले उठाया था कि ये NMC नहीं, और जो स्ट्रेस और जो उन्होंने नियम लागू किए हैं वो नहीं होने चाहिए, मैं उसका विरोध करता हूँ। अच्छा। और IMA भी विरोध किया है। IMA ने भी विरोध किया है इसका, और हम IMA के बैनर पे इसको मुद्दे को उठा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात चल रही है हमारी। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ और है, सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया है इस दिवाली पर। पटाखों पर बैन लग गया है, उसके विक्रय पर भी बैन लग गया है। बिल्कुल। तो लोगों में से मैसेजेस ये आ रहे हैं, फीडबैक आज सुबह से कई मैसेजेस पढ़े मैंने लोगों के, कि भाई उन्होंने क्या किया है कि जिनका 12 मंथ्स का लाइसेंस है उन सबको तो परमिट कर रखा है, जो सीजनल दुकानें खोलते हैं उनको परमिशन नहीं दी जा रही है इस साल। हालांकि सरकार जो है इसको कोरोना से जोड़ के कह रही है, लेकिन लोगों को इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है। तो क्या बिना पटाखों के दिवाली मनेगी कैसे? आपको मतलब इसमें कुछ अपना विजन देना हो? नहीं, इसमें पटाखों से डेफिनेटली पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से ओवरऑल इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। तो कोविड को देखते हुए अगर गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया तो कुछ सोच के लगाया होगा, तो होना चाहिए बैन। बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, मैं तो ये कहूँगा कि पोल्यूशन होता है, और इससे आपने देखा होगा कि कितना धुआं हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। हाँ, ये एक्चुअली रेस्पिरेटरी डिजीज ही है। हाँ, तो इसलिए मैं तो इसका सपोर्ट ही करूँगा कि ठीक किया है गवर्नमेंट ने। और कोई ऐसी बात, और कोई ऐसा संदेश शहर के युवाओं के लिए डॉक्टर जयपाल का? बस मैं तो यही कहूँगा कि सबका यही रहे कि किस तरह से अभी जो ये महामारी आ गई है COVID-19, कोरोना से सब ग्रसित है, सब स्ट्रेस में है, टेंशन में है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्समैन हो, स्टूडेंट हो या गृहिणी हो, सबके ही स्ट्रेस में है। तो ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क लगाना है और सब चीज़ का ध्यान रखें, यही मैं कहूँगा। और मैं निवेदन करूँगा शहरवासियों को कि डॉक्टर जयपाल इज़ बैक, एंड वी शुड एक्सपेक्ट हिम टू बी बैक
बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, है ना। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार में से किसी को इस बार ज़रूर, आपके परिवार का कोई सदस्य इस बार ज़रूर मेयर पद संभाले और शहर की सेवा करें जिस तरह से आपकी पीढ़ियां करती आई हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।